ब्रेड को इस तरह से इसमें डिप करेंगे अच्छे से, आप देख सकते हो। और ऐसे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्नेहा के किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का पकौड़ा। तो इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ब्रेड का पकौड़ा बनाने के लिए आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे ब्रेड, और ये है नमक हमने स्वाद के अनुसार लिया, और हमने आलू पहले से उबाल के रख लिया था, और ये है हरी मिर्च आप स्वाद के अनुसार लीजिएगा, और ये है धनिया की पत्ती, और ये है अजवाइन, और थोड़ी सी हल्दी भी हमने लिया है, और ये है चने का बेसन। और बनाने के लिए हमने लिया है ये रिफाइंड। तो आप भी इसे सुबह के नाश्ते में या दोपहर के नाश्ते में आप बना सकते हो और अपने परिवार को खिला सकते हो, ये बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम ब्रेड को काटेंगे, ऐसे दो भाग में करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हो। और इसको हम ऐसे बना के रख देंगे, इसी तरह से हम सभी ब्रेड को काट लेते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, इसे हर कोई बना सकता है बहुत आसानी से। तो अब हम ये हरी धनिया भी काटते हैं, इसकी हम डंडी निकाल देते हैं, ऐसे हम पतला पतला करके काटेंगे। और इसी तरह से हम हरी मिर्च भी काट लेंगे, ऐसे पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में। तो आइए हम पहले गोल बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, और थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे इसमें। और अब हम इसे घोल बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। अब हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, इसे ज्यादा गीला नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना है गाढ़ा सा, नहीं तो ब्रेड पे चिपकेगा नहीं। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। और अब हम आलू को भी ऐसे इसमें मिक्स करेंगे, हमने धनिया और हरी मिर्च आलू में मिला लिया अच्छे से, आप देख सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आप भी डालिएगा स्वाद के अनुसार, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये हमारा हो गया तैयार
उनके आलू, और अब हम ब्रेड में इसे इस तरह से लगाएंगे, अच्छे से इसे हम ऐसे लगाएंगे। और ऊपर से हम दूसरे ब्रेड को ऐसे चिपका देंगे। इसे ऐसे हम रखते हैं और इसी तरह से हम सब ब्रेड में ऐसे आलू लगाएंगे। तो हमारी शायद तैयारी हो गई है और हमने ब्रेड में भी आलू को भर लिया है। और अब हम गैस को जलाएंगे और इसमें तेल डालेंगे। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम ब्रेड को इस तरह से इसमें डिप करेंगे अच्छे से, आप देख सकते हो, और ऐसे। ऐसे हम सारे ब्रेड को इसी तरह से बनाएंगे। इसे धीरे धीरे से हम ऐसे पलटेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये बनके तैयार है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। तो इसे इस तरह से पलट के पकाते हैं ताकि ये दोनों साइड अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हो बीच बीच में हमें इसे पलटना पड़ता है। तो इसी तरह हम सारे पकौड़े को पकाएंगे अच्छे से। तो अब आप देख सकते हो ये भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया ये पकौड़ा। और इसे हम बाहर निकालते हैं। इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। तो हमारे सारे पकौड़े बनके तैयार हैं। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और गैस को बंद करते हैं।
तो आपने देखा कि हमने थोड़ी सी ही देर में कितनी कम समय में ये ब्रेड के पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए। आप भी अपने घर में ऐसे ही बना सकते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे टमेटो सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।